आज हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिम्स फ्रेंड एंड फॉय। टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो किस प्रकार हमें हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं, रोगों के कारण होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर हार्मफुल इन मैनी अवे। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो बहुत प्रकार से हार्मफुल पहुंचाते हैं, हार्मफुल करते हैं। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिम्स काउज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स प्लांट और एनिमल्स को किस प्रकार रोगों से ग्रस्त करते हैं, बहुत सारी डिजीज फैलाते हैं। तो सच डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं किस प्रकार ये रोग मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स किस प्रकार बहुत सारे रोग फैलाते हैं, तो जो रोग फैलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। सच डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये जो डिजीज यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स के द्वारा जो भी डिजीज होती हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, इसे क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स स्पॉइल्ड फूड क्लोथिंग एंड सच डिजीज काउजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। सम माइक्रो ऑर्गेनिम्स स्पॉइल फूड क्लोथिंग एंड लीथर। लेट्स अस स्टडी मोर अबाउट दियर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं किस प्रकार जो खाने होते हैं उसको स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और फिर ये हमारे शरीर में बहुत सारे डिजीज पैदा कर देते हैं, और जिससे हमारी जो तबीयत होती है वो खराब हो जाती है। तो इसके बारे में किस प्रकार ये हमारे लिए रोग जो डिजीज होती है किस प्रकार करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और ये किस प्रकार हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो चलो देखते हैं डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिम्स इन वुमेन्स। जो भी वुमेन्स होते हैं उनमें किस प्रकार ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं किस प्रकार डिजीज काउजिंग करते हैं। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। जो पैथोजेंस होते हैं हमारे शरीर में किस प्रकार इंटर करते हैं, जब हम सांस लेते हैं एयर में जो हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर वो क्या हो जाते हैं, इंटर हो जाते हैं, हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, जब हम पानी पीते हैं जो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं वो किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, इंटर करते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं या फिर हम पानी पीते हैं, और द फूड वी ईट, या जब हम भोजन करते हैं, तो ये सारे ये हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्ट पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल्स। और कभी कभी आपने देखा होगा कि ये कभी डायरेक्ट किसी पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कभी कभी डायरेक्ट हो जाते हैं, या फिर कभी कभी कैरिड होके किसी व्यक्ति के द्वारा ह्यूमन टू ह्यूमन या फिर किसी एनिमल टू ह्यूमन इस प्रकार ये कैरिड करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं ये कभी कभी डायरेक्ट फूड वाटर या एयर के थ्रू हमारे शरीर में डायरेक्ट
आते हैं या फिर किसी पर्सन के द्वारा या फिर वुमेन टू एनिमल्स, एनिमल्स टू वुमेन, तो ये कभी कभी एनिमल से ह्यूमन में या फिर ह्यूमन टू ह्यूमन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैरी करके आते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इफेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। जो माइक्रो डिजीज होते हैं ये किसी व्यक्ति के अंदर स्प्रेड करके दूसरे व्यक्ति जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं। थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। जो भी व्यक्ति या जो इससे ग्रसित है, जिसे कुछ हुआ हो, ऐसे व्यक्ति कभी कभी छींकते हैं तो ये क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आ जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आते हैं इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये सभी चीजें क्या होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आती हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है यानी कि सर्दी हुआ है, तो अगर वो व्यक्ति जहाँ पे है इन्फेक्शन जिसको हुआ है वो छींकता है तो वहाँ पे रहने वाले जो दूसरे व्यक्ति हैं वो उनको भी लग जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है कि जब वो कॉमन कोल्ड जो हुआ होता है, जो इन्फेक्टिव पर्सन होता है वो छींकता है या फिर खांसता है तो उसके जो छींक होते हैं उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑक्सीजन्स होते हैं जो एयर में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑक्सीजन्स जो दूसरा व्यक्ति होता है उसके ऊपर वो चले जाते हैं और वो भी जो ब्रीथिंग करता है या फिर ब्रीथिंग करता है तो इसके द्वारा वो व्यक्ति के अंदर, उस पर्सन के अंदर वो माइक्रो ऑक्सीजन्स चले जाते हैं, फिर उससे किसी और व्यक्ति को इस प्रकार ये कॉमन कोल्ड क्या होता है, फैलता रहता है। और इसी प्रकार कॉमन कोल्ड की जैसे ही चिकन पॉक्स भी होता है और कॉलरा भी होता है और ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इंक्लूड हो जाता है और दूसरे व्यक्ति को भी बीमार कर देता है। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, ऐसा जब ये कॉमन कोल्ड किसी व्यक्ति को हुआ रहे, किसी पर्सन को हुआ है, फाइन ड्रॉपलेट ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस। जब भी वो स्नीच करता है तो उसमें से थाउजेंड्स वायरस क्या होते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, आर स्प्रेड इन द एयर, और ये पूरे एयर में स्प्रेड हो जाते हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग एंड काउजिंग इन्फेक्शन। और ये वायरस दूसरे व्यक्ति के अंदर क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं और फिर उस व्यक्ति को भी इन्फेक्शन से ग्रसित कर देते हैं। जब वो व्यक्ति सांस लेते हैं तो उनको भी ये इन्फेक्शन क्या हो जाता है। अब बुजो क्या पूछता है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। हम इस प्रकार के जो रोग हैं, जो डिजीज हैं, किस प्रकार उनसे बचे, तो पहले क्या बोलते हैं, वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीज। जो भी व्यक्ति को ऐसा कॉमन कोल्ड हुआ हो वो जब स्नीच करे, जब छींके, तो अपने माउथ पे, अपने नोज पे हैंडकरचीफ रखे यानी कि रुमाल रखे। इट इज बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फॉर इन्फेक्टेड पर्सन। और ऐसे व्यक्ति से जिसे कॉमन कोल्ड हुआ हो ऐसे व्यक्ति से डिस्टेंस बना के रखे, एक निश्चित दूरी तय करके रखे, जिससे
ये जो कॉमन कोल्ड है उनका इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न हो. देर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट ए कैरिज ऑफ डिजीज. आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं, एनिमल होते हैं जो इस डिजीज को, रोग को क्या करते हैं, कैरी करते हैं. काउजिंग माइक्रोब्स, ये जो माइक्रोब्स होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी करके किस प्रकार ये रोग को लाते हैं हमारे घर में. हाउस फ्लाई इज वन सच कैरी. जो हाउस फ्लाई होती है, जो मक्खी होती है, ये डिजीज को कैरी करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ये ऐसी बहुत सारी जगहों पे बैठती है जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि गार्बेज होता है वहाँ पे भी बैठती है, और बहुत सारे ऐसे प्लेस भी जाती है जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं. तो वो क्या करती है, वहाँ से बैठती है, वहाँ से अपने माइक्रोब जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनके पंख में या फिर उनके लेग में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं. और फिर जैसे कि वो खाने पे या फिर किसी चीज पे बैठ जाती है तो वहाँ पे वो अपने माइक्रोब्स को क्या कर देती है, छोड़ देती है. और फिर जैसे ही वो खाने को खाते हैं फिर या फिर वहाँ पे टच होता है, वो माइक्रोब्स हमारे हाथों में या फिर हमारे अंदर इंटर कर जाते हैं, तो फिर बहुत सारे ऐसे डिजीज यानी रोग हो जाते हैं. तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसको, डिजीज को कैरी करने में. हाउस फ्लाई इज वन सच कैरीज. द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल्स एक्स्ट्रा. जो ये क्या करती है, उड़कर गार्बेज पर या फिर एनिमल्स जो भी कचरा रहता है उसके ऊपर बैठ जाते हैं, और फिर वहां से जो भी माइक्रोब्स होता है उनके पंखों में या फिर ब्लैक में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और फिर वो कैरी करके आ जाते हैं. पैथोजेंस स्टिक टू दियर बॉडीज व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस. और ये उनके अंदर कैरी होकर, और जो अनकवर्ड है यानी जो ढके हुए खाने होते हैं, अनकवर्ड फूड होता है जो नहीं ढके रहते खाने, ऐसे खाने के ऊपर क्या हो जाते हैं, ऐसे फूड के ऊपर बैठते हैं और फिर उसको डिजीज कर देते हैं. किससे, पैथोजन से. हाउएवर इट्स द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक. और फिर जब इस प्रकार के भोजन को खाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. सो इट इज एडवाइज टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड. इसलिए हमेशा एडवाइस दिया जाता है कि खाने को क्या करके रखे, ढक कर रखे. अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड. और बिना ढके हुए आइटम्स को न खाए, ऐसे फूड को अवॉइड करें. अनदर एग्जांपल ऑफ कैरीज इज द फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो. इसी प्रकार एनोफिल्स फीमेल मॉस्किटो जो होता है, विच कैरीज द पैरासिट ऑफ मलेरिया, पैसामोडियम. ये जो ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो जो होता है वो किस प्रकार के रोग को कैरी करता है, मलेरिया को. एनोफिल्स मॉस्किटो जो होता है वो इस प्रकार के डिजीज को कैरी करता है, जैसे कि या फिर जो फीमेल एनोफिलेस
मॉस्किटो होता है एनोफिलीसेस मॉस्किटो होता है प्लेसमोडियम से या इन्फेक्टेड होता है या फिर वो ऐसी जगह पे जाता है जैसे यहाँ पे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जिसे वो कैरी करके लाता है। और जब ये ऐसे जो मॉस्किटो होता है हमें काटता है तो हमें मलेरिया जैसा डिजीज हो जाते हैं। फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये जो होता है ये डेंगू जैसे वायरस को लाता है। ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है एक्ट ए कैरी ऑफ डेंगू वायरस। ये जो फीमेल एडीज मॉस्किटो होता है जो हमें काटता है तो ये डेंगू वायरस हो जाता है, डेंगू फीवर होता है। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, तो हम मलेरिया और डेंगू जैसे वायरस को किस प्रकार कंट्रोल करें, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो आपके आस पड़ोस में मच्छर ना हो इसके लिए हमें अपने आसपास घरों के आसपास में साफ सुथरा रखना चाहिए, पानी इकट्ठा ना रखना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ऐसी बहुत सारे आइटम्स होते हैं जो हमें रखे रहते हैं फिर उसमें क्या होते हैं पानी इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, फिर वही मच्छर क्या करते हैं हमें काटते हैं और फिर बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो हमें देखना होगा कि इस प्रकार हम अपने आसपास साफ सुथरा रखें और पानी को इकट्ठा होने न दें तो जिससे ये सारे रोगों को रोका जा सकता है। अब पहली क्या पूछ रही है, व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। पहली क्या बोल रही है, टीचर हमें ऐसा क्यों कहती है कि हमें अपने आस पड़ोस में कहीं भी पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है, पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है। आर मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्टेड एनीवेयर। जो ये मॉस्किटो होते हैं किसके अंदर ये पैदा होते हैं, पानी के अंदर, तो इस प्रकार हमें पानी को कलेक्ट नहीं होने देना है कहीं पर। अगर हम पानी को कलेक्ट रखते हैं हमारे छतों पे या फिर आस पड़ोस में अगर पानी इकट्ठा होते तो इस प्रकार के मच्छर क्या होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वही रोग डिजीज जो होते हैं वो कैरी करके लाते हैं और फिर उनके काटने से हमें डेंगू या फिर मलेरिया जैसे डिजीज होते हैं। इन कूलर टायर्स फ्लावर पॉट इटीसी, ये सभी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। कूलर का जो पानी है उसको हमेशा बदलते रहना चाहिए या फिर फ्लावर पॉट हो मनी प्लांट लगाए हो तो इसके जो पानी है उनको सभी को पानी को निकालते रहना चाहिए और साफ पानी डालते रहना चाहिए, इस प्रकार उसमें मच्छर उत्पन्न नहीं होंगे। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो इस प्रकार अगर हम पानी को साफ कर देते हैं, हटा देते हैं और हमेशा साफ सुथरा और सूखा रखते हैं तो वहाँ पे मॉस्किटो उत्पन्न नहीं होंगे और जिससे रोगों से भी बचा जा सकता है। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, और इससे बचने के लिए मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नेट का उपयोग करना चाहिए या फिर ऐसे बहुत सारे केमिकल्स आते हैं जो हमें अपनी बॉडी पे लगाने पे ये मच्छर हमें काटते नहीं हैं और हमें इस ऐसे रोगों से क्या करना चाहिए बचा जा सकता है। तो इस प्रकार हम ये मॉस्किटो से किस प्रकार बचे और ये रोगों से किस प्रकार बचे तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए।